हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। वहीं हाल ही में वो अपने एक बयान को लेकर खबरों में आ गए हैं। दरअसल अनिल कपूर हाल ही में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पहुंचे थे। इस दौरान अनिल कपूर ने बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स को ढोंगी पता डाला है। ये दो सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि सलमान खान और आमिर खान हैं। अनिल ने इस इवेंट के दौरान कहा कि सलमान और आमिर ढोंग करते हैं और दूसरे एक्टर्स को बेवकूफ बनाते हैं। दरअसल अनिल कपूर से पूछा गया कि इंडस्ट्री के अभिनेता शुरुआती सफलता, गाड़ी और घर खरीदने के बाद आलसी क्यों हो जाते हैं, बाद में वो काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस कैटेगरी में कोई अभिनेता है? इस सवाल का जवाब देते हुए अनिल कपूर ने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। कई अभिनेता शुरुआत में अच्छा काम करते हैं लेकिन बाद में आलसी हो जाते हैं, वो काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आमिर को ही देखिए, वो खुद को आलसी कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है। आमिर केवल ऐसा करने का दिखावा करते हैं जिससे बाकी अभिनेताओं को लगता है कि जब आमिर खान इतने बेहतरीन अभिनेता होकर इतने आलसी हैं तो मैं भी कर लूंगा, जबकि आमिर सबसे ज्यादा मेहनती अभिनेता हैं। वहीं अनिल कपूर ने सलमान के बारे में कहा कि जब भी मैं सलमान खान के साथ फ्लाइट में सफर करता हूं तो देखता हूं कि वो बार बार अच्छा खाना और मीठा मंगवाते हैं ताकि मैं भी ऐसा खाना मंगवा लूं। सच्चाई ये है कि सलमान इतना स्वादिष्ट खाना कभी कभी ही खाते हैं, लेकिन दूसरे अभिनेताओं को लगता है कि जब सलमान हर दिन ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर इतने हैंडसम हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। सलमान दूसरे अभिनेताओं को भटकाने का काम करते हैं। तो देखा आपने, अनिल ने मजाक मजाक में ही लेकिन सलमान और आमिर को ढोंगी बता दिया है। बता दें कि हाल ही में अनिल कपूर फिल्म पागलपंती में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ जॉन इब्राहिम, अरशद वारसी, उर्वशी रौतेला, इलियाना डिक्रूज और कृति खरबंदा इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आए थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अनिल के स्टेटमेंट पर सलमान और आमिर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे अनिल कपूर की बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।